तो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ़ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि VIP पार्टी की ओर से मदद जो मिल रहा है वो आप कैसे लें। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे राज्य में फंसे बिहारी मजदूरों को आर्थिक मदद देगी VIP, ऑनलाइन करें आवेदन। दूसरे राज्य में फंसे बिहारी मजदूरों को आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर दूसरे राज्य में फंसे बिहारियों के खाते में एक हज़ार रुपये की आर्थिक मदद उनके बैंक खाते में दी गई है। इसके अलावा बिहार के कई राजनीतिक दल भी दूसरे राज्य में फंसे बिहारियों की मदद में आगे आए हैं। अब विकासशील इंसान पार्टी ने बिहारी मजदूरों को आर्थिक कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में किए गए लॉकडाउन से बिहारवासी दूसरे राज्य में फंसे हैं, खाने पीने की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में बिहारवासियों की मदद के लिए विकासशील इंसान पार्टी ने सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू की है। पार्टी की ओर से निजी कोष से दूसरे राज्य में फंसे बिहार के मजदूर को आर्थिक मदद भेजी जा रही है। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अनुरोध किया है कि अगर कोई सही मायने में मदद का हकदार है, उसे ज़रूरत है और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो आर्थिक मदद के लिए आवेदन करे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक सहयोग पहुंचाया जा सकेगा। पार्टी अध्यक्ष ने कहा है कि विकासशील इंसान पार्टी के पास संसाधन सीमित है, मतलब कि मदद करने की क्षमता कम है, सीमित है। इसके बावजूद पार्टी सभी जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए पार्टी ने सभी से मानवता को ध्यान में रखकर ही आवेदन करने की अपील की है। पार्टी ने जरूरत ना होने की स्थिति में आवेदन ना करें उन जरूरतमंदों की मदद का रास्ता खोलने की अपील की है जिन्हें असल में मदद की ज़रूरत है। साथ ही अपील की है कि अगर कोई सामर्थ्यवाना है तो सहयोग मांगने की बजाय आसपास के जरूरतमंदों, मजदूरों, भाइयों तथा गरीब परिवारों की सहयोग करें। पार्टी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों तक, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जाएगी। पार्टी द्वारा बिहार में भी जगह जगह पर जरूरतमंद लोगों को हर तरह की सहायता पहुंचाई जा रही है। साथ ही पार्टी द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए जन जागरूकता तथा दूसरे कई तरह की पहल की जा रही है। पार्टी द्वारा लॉकडाउन के दूसरे राज्य में फंसे बिहार के मजदूर भाइयों की सहायता के लिए पार्टी के वेबसाइट पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। आपको सर्च करना है VIP पार्टी हेल्प मी। दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में है प्रवासी मजदूर सहायता हेतु विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा ये वेबसाइट बनाया गया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VIP पार्टी का लोगो है और लिखा हुआ प्रवासी मजदूर सहायता हेतु बिहार राज्य से बाहर रहने वाले मजदूर हेतु परपत्र अपील। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बिहार के बाहर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए भाइयों एवं बहनों, आप जानते हैं कि हम कोई सरकार नहीं चलाते हैं। हमारी सोच है कि कोई भी बिहारी प्रवासी मजदूर भूखा ना सोए, इसलिए हम अपने निजी कोष से आप लोगों को मदद करना चाहते हैं। आप जरूरतमंद हैं तभी आवेदन करें क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। नोट, जिला कमेटी द्वारा जांच किया जाएगा कि आप वाकई में जरूरतमंद है कि नहीं है, उसके बाद आपको आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। तो यहाँ पे आप विवरण में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद श्रमिक नेता मेट का व्हाट्सएप नंबर, जो कि मतलब मजदूर है, उसका व्हाट्सएप नंबर डालना है। व्हाट्सएप नंबर डालने के बाद पूरा पता, जिस राज्य में अभी आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको, आप जिस राज्य में काम कर रहे हैं अभी, वो राज्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद
उस राज्य के जिस ज़िले में आप अभी काम कर रहे हैं उस ज़िले को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको बिहार राज्य के किस ज़िले के निवासी हैं आप, आपका जो भी ज़िला है आपको यहाँ से उस ज़िले को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे खाता धारक का नाम डालना है। खाता धारक का नाम डालने के बाद आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है या खाता है आप उस बैंक का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर जो भी है वो यहाँ पे डालेंगे। फिर आपको अपना बैंक के आईएफएससी कोड को यहाँ पे डालना है। जब ऊपर आप सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा लाइव स्थान, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर जियो लोकेशन, तो फिर आपको यहाँ पे अपना जियो लोकेशन ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपका जियो लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और जल्द से जल्द आपके पास राहत पहुँचा दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों से भी अपील है कि अगर आपके पास सही में ज़रूरत है और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तभी आप यहाँ पे निवेदन करें। और आप लोगों से ये भी निवेदन है कि क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, तो अगर आपके पास भी बिहार के मजदूर है और उसको बहुत ज़्यादा खाने पीने का दिक्कत है तो आप उसका जहाँ तक हो सके मदद करें, या नहीं तो आप उसके लिए अप्लाई कर दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी गरीब मजदूरों के पास पहुँच जाए और वो लोग अपना लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।